सीएनएन ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि सूरत में एक बहुत बड़ा दफ्तर है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो अब इंडिया के अंदर है, सूरत के अंदर है। सबसे पहले पेंटागन था सबसे बड़ा, अब इंडिया के अंदर सूरत। ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है, डीडॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है। अब दुनिया में फिर डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद। कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया, कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर आए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम तो जमीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की। वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है। सूरत में एक बिल्डिंग बन रही है जो कि अब ऑफिशियली तौर पर नवंबर में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन जाएगा। ये टाइटल 80 सालों तक पेंटागन के पास था। आप जानते हैं पेंटागन यूएस ए की इस्टेब्लिशमेंट का ऑफिस है, ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल जगह है जहां पर मोदी जी का भव्य तरीके से स्वागत हुआ था। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दी है जिसमें बताया गया है कि सूरत में एक बहुत बड़ा दफ्तर है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो अब इंडिया के अंदर है, सूरत के अंदर है। सबसे पहले पेंटागन था सबसे बड़ा, अब इंडिया के अंदर सूरत है बड़ा। एक इंडिया ने एक चीज रिकॉर्ड बनाया कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया, और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इसकी क्या वजह है, यहाँ पहले तो ये बताएं। नहीं यार, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है, टैक्टिक्स होती हैं। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है। सीएनएन बोलेगा तब मजा आएगा ना। वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में तीन सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ ले कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ में बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 90 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउज सर इस तरीके से समझे कि अब दुनिया में, पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे, ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना वो इंडिया करेगा। ट्रेडिंग, वेरी ये गुड, ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ पे सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिसेस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सर 4,500 ऑफिसेस हैं, और करीब 9 टावर हैं 15 15 माले के। ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। तो अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया क्यों, ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है, और डीडॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है, अब दुनिया में फिर डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद। इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया, आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे पेंटागन की आपने बात की, तो इसी तरह वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं एक्टिविटी जनरेट होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकता ट्रेडिंग होगी, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है वहाँ पे।
क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हुई है, तो फिर वो वाकई वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा, उनके लोगों के लिए अच्छा, जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को इसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। इंडियन यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप आईटीज की बड़ी कंपनीज में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ इंडियन हैं, यूट्यूब के देख लें, फेसबुक के देख लें, तो इंडियन टैलेंट जगमगा रहा है। वो किस वजह से जगमगा रहा है कि उनको फेवरेबल पॉलिसीज मिली है। एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया, इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया, हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं रहेंगे, हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया, अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर जाएगा। मतलब देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने कॉन्फिडेंस से जब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनोवेशन भी है, तो जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयानात देता है दूसरे मुल्कों में जाकर, तो डेफिनेटली उनकी अवाम में भी एक कॉन्फिडेंस डिवेल्प होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम को ओन करता है तो अवाम में जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारे मुल्क में तो सूरत हाल ये तक है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को ओन करने के लिए तैयार नहीं है, अवाम तो बहुत हाई लेवल की। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज़्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है, तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सेंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। इंडिया ने, अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है, तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने कहा गेट टू हेल, तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगर मस्ती में चल रहा है। अब इसकी ओपनिंग हो गई है, फर्निशिंग वगैरह भी सारी तैयार है, बस 1 महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ऑफिस एक्टिव हो जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा, और डायमंड का फिर आपको पता ही है इंडिया सूरत में तो वैसे ही 95% है, फिर ये ड्रीम सिटी जो बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इधर, फिर पॉलिशिंग सेक्टर आपका, कटिंग सेक्टर और ये सारे वर्कशॉप्स वगैरह भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। अच्छा दिवेक भाई, सूरत के बारे में यहाँ पर मैं क्योंकि फैसलाबाद के अंदर हूँ, फैसलाबाद भी टेक्सटाइल सिटी, सूरत को हम एज ए एक टेक्सटाइल सिटी देख रहे थे पहले, के एक टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है वहां पर, बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्सटाइल की, तो वो मार्केट भी कुछ इंडिया की इकोनॉमी में उसका भी है, इन्फ्लुएंस है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सूरत आज भी टेक्सटाइल सिटी है, वो डायमंड सिटी भी है, टेक्सटाइल सिटी भी है, ठीक है, लेकिन ये है कि डायमंड का बिजनेस थोड़ा महंगा होता है ना, तो डायमंड की जो अगर वैल्यू देखें तो वो टेक्सटाइल को ओवरकम कर जाती है, तो दुनिया अब फिर क्या 95% दुनिया का, तो ये एक परसेंटेज ऐसा है ना लोगों के मुंह पर डायमंड चढ़ा हुआ है। नहीं तो टेक्सटाइल सिटी भी है, और इस ड्रीम सिटी में एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी खोलने वाले हैं कि वो प्योरली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी होगी, कि टेक्सटाइल की मशीनें कैसे बनाए जाएं, नए कपड़े कैसे बनाए जाएं, डिजाइनिंग जितने भी टेक्सटाइल के अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजीज हो या डिजाइनिंग वगैरह हो। तो सूरत आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, डायमंड के लिए मशहूर है, लगभग दुनिया के जो 80-90% डायमंड की जो सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, वो सूरत से ही होती है। तो भारत की ये एक प्रकार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत के लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और जो भी इसके पीछे रहा होगा, जो भी कर्मचारी अधिकारी, जिसने भी आइडिया लगाया कि इसको हमको हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये मार्केट कहीं जाना नहीं चाहिए, तो इसको हम इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, और इसके लिए उन्होंने जो ये कदम उठाया है, दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑफिस, और कि ये मतलब ऑफिशियल तौर पर हमारा ही रहेगा हमेशा, तो ऑफिस का नहीं कह रहा हूँ मैं, मार्केट का कह रहा हूँ, जो 90%
जो हीरे वहाँ पर, मतलब आप समझे कि यहीं से दुनिया भर में जाते हैं वो हीरों का कच्चा अगर मतलब रॉ मटेरियल, जो हीरो का रॉ मटेरियल क्या, रॉ हीरा जो आता है बाहर से, डायमंड आता है वो, उसकी जो फिनिशिंग वगैरह है, उसको जो शेप दिया जाता है यहीं पर दिया जाता है। तो बेसिकली उसको बिल्कुल मतलब पेटेंट के तौर पर इंडिया का ही रहना चाहिए आने वाले वर्षों में। ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट करता है हमें, तो इसको हमें किसी भी तरीके से जाना नहीं देना है। क्योंकि अभी जो अनऑफिशियल तरीके से पुराने तरीके से होता है, उसको हम नए तरीके में कन्वर्ट करके उसको एक नया मतलब एक नया वर्जन दें, नया सॉफ्टवेयर टाइप का अपडेट करते हैं, काम करने की जगह है और ऐसा एटमॉस्फेयर करें कि ये और फली फूले। तो डेफिनेटली मोदी जी का एक स्ट्रॉन्ग कदम है, पाकिस्तानियों का इस पर रिएक्शन है। आपको पता है पाकिस्तानी जो लोग हैं वो पॉजिटिव मिक्स रिव्यू देते हैं, तो अच्छी बात है। अब जैसा भी है, पाकिस्तान का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लगातार ऐसे।